بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. My name is Dipan Chakravarti, and I am a student as well. I am pursuing graduation, and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि जरूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना जरूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है. सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं. ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियां बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है. कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिए गए किस तरीके से तलाक दिया जाता है. पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो. नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है. कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting. इद्दत 3 महीने के बाद the divorce is completed. लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियां बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है. लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है, अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड. आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए. तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर. नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन. आई कम टू इट. लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, उसके ऊपर आऊंगा. लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ ना इत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक. वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ. फिर से 2 साल बाद याद आता है, नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है. फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल, इसके बाद आप फिर से मियां बीवी नहीं बन, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें. इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है. बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, 1 दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है. 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है, प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो. मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा ना अभी तक के. 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं. ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो. आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो. और फिर पता लगा आपको, मैं पहले शोर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा. डाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा. मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो डाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या मालूम पड़ा मैं मेरे शोर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा क्या नया शोर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं. अगर प्लानिंग करेंगे कि 1 रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूं मुस्लिम माशरे में वो हराम करते हैं. प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, 1 रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है. कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते. तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए दूसरे से फिर पता लगा सही नहीं तो वापिस जा सकते, आप समझे ना? तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो. इस्लाम में इतनी छूट है माशाल्लाह,
और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। गुड इवनिंग, आई एम प्रिंसिपल राम शिंदे रिटायर्ड। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदू मजहब हो, इस्लाम मजहब हो या ईसाई मजहब हो, उन सब में बहुत सी समानता है, इक्वालिटी पाई जाती है, फिर भी इन मजहब को लेकर सदियों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और मनमुटाव क्यों? इस संदर्भ में मेरा मानना है कि यदि मजहबी आपको चाहिए तो इंसानियत, इंसानियत एंड नथिंग बट इंसानियत, दैट इज मानव धर्म। यह एक नया जमाने की नई तकाजा है, इस पर आपकी क्या राय है? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईसाइयत में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में काफी इंसानियत है, फिर भी संघर्ष है, हमेशा लड़ना झगड़ना। हम सिर्फ मानना चाहे इंसानियत, हम मानना चाहे ह्यूमैनिटी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं ये किताब इंसानियत किसने लिखी? क्या पाते कोई किताब जिसका नाम इंसानियत है? इस्लाम में एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। अगर मुस्लिम अच्छा इंसान नहीं तो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि स्कूल 10th स्टैंडर्ड पास करो, मैं कह रहा हूं ग्रेजुएशन करो। तो इंसानियत इज 10th स्टैंडर्ड, इस्लाम इज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एकदम। इस किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है। कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में कह रहा है। आप अगर जाएंगे कोई जंगल में और आप फल खाना चाहते हैं, आपको पता नहीं कौन सा फल जहरीला है क्या नहीं, तो आप पूछेंगे ना किससे तो पूछेंगे भाई कौन सा जहरीला है क्या नहीं। आप खुद अगर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आप गलत फल खा के मर जाएंगे। आप जब बीमार होते जाते डॉक्टर के पास, सही? तो इसी तरीके से अल्लाह सुभाना व तआला खुदा ने इंसानों को बनाया है। खुदा से बेहतर कौन जानता है जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए? खुदा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सारे डॉक्टर को इकट्ठा करेंगे, उससे बड़ा डॉक्टर है हमारे बनाने वाला। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा खुदा किस तरीके से जिंदगी हमें चाहता है कि गुजारे। तो मैं ये कहता हूं कि आप कम से कम ये मानिए कि एक किताब, कम से कम एक किताब खुदा की तरफ से 100% सही है। हिंदू कहेगा मेरी वेदा खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल, मुस्लिम कहेंगे कुरान। फिर मैं कहता हूं जो चीज इन तीनों किताबों में यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ बहुत है, मैं नहीं कहता हूं कि सारी चीजें यकसा है, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो, कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। जितने अहम मजाहब है दुनिया में सब में लिखा है कि खुदा एक है, बुत परस्ती हराम है, पैगंबर आने वाले है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया एक इम्तिहान है आखिरत के लिए, कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। कम से कम हम आज वादा करें कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करे, एक खुदा की, बुत परस्ती ना करे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने। सैकड़ों हवाले हैं वेदा में जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, बाइबल में भी लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कम से कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानो, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो। इस तरीके से कम जो हमारा बनाने वाला।